भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश की खराब सड़कों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हुए लोक निर्माण विभाग के ईएनसी को हटाए जाने पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा, इन दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सारे विभागों के फैसले खुद ले रहे हैं और मंत्रियों को खबर तक नहीं लग पा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राजेश मूणत के बयान से प्रदेश की जो सड़कों की स्थिति है उससे स्पष्ट हो रहा है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन सड़कों को बनाया था उसमें काम कम भ्रष्टाचार ज्यादा किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी के ऊपर कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में 4 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसके मुखिया आप हैं। जिन स्थितियों में छत्तीसगढ़ सरकार के निर्माण कार्य के प्रति बेरुखी थी उसके उदाहरण चाहे जसपुर हो, पत्थरगांव हो, चाहे कोंडागांव की तरफ की सड़कें हो, या एनएच की जो स्थिति बनी हुई है जिसमें रायपुर से लेकर के भिलाई तक के ब्रिज की बातचीत हो। राजेश मूणत के बयान से और प्रदेश में जो सड़कों की स्थिति है उससे स्पष्ट हो रहा है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो सड़कों को बनाया था उसमें इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया था कि उन सड़कों की लाइफ 3.5 साल भी नहीं थी। मतलब एक सड़क बनेगी तो कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल तो चलना चाहिए, लेकिन इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना कमीशनखोरी किया कि इनके द्वारा बनाई गई सड़कों की लाइफ 3.5 साल भी नहीं, 3.5 साल मतलब सरकार हर साल उन्हीं सड़कों को बनाते रहेगी।